सब्सक्राइब कीजिए DDN न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों फेस ऐप काफी वायरल हो रहा है। बहुत सारे यूजर्स इस ऐप का इस्तेमाल करके अपने बुढ़ापे की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। ये ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से किसी भी व्यक्ति को जवान या बूढ़ा दिखा सकता है। यहाँ तक इस ऐप से जेंडर भी चेंज किया जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये रशियन ऐप आपकी तस्वीरों के साथ क्या क्या कर सकता है? यानी जब आप अपनी तस्वीर फेस ऐप के सर्वर पर सबमिट कर देते हैं, तब आपके फोटोज के साथ क्या होता है? दोस्तों, अगर इस ऐप के टर्म्स एंड कंडीशन की बात की जाए तो यह ऐप कहता है, आप फेस ऐप को अपने कंटेंट का अपरिवर्तनीय नॉन एक्सक्लूसिव रॉयल्टी फ्री वर्ल्ड वाइड फुली पेड ट्रांसफरेबल सब लाइसेंस देते हैं, जिसका इस्तेमाल यूजर्स कंटेंट को रिप्रोड्यूस मॉडिफाई अडेप्ट पब्लिश ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में आपके फोटोज का इस्तेमाल सार्वजनिक रूप से किया जा सकता है। ऐप की पॉलिसी से साफ होता है कि आपके डेटा का इस्तेमाल आपकी लाइसेंस के आधार पर टेलीमार्केटिंग एड्स और मार्केटिंग के दूसरे प्रारूपों के लिए किया जा सकता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये ऐप एक रशियन डेवलपर ने बनाया है। फेस ऐप को 2017 में लॉन्च किया गया था और ये ऐप अपने ओल्ड फिल्टर की वजह से वायरल हो गया है। ढेर सारे यूजर्स और सिलेब्स ने भी अपनी फोटो पर ओल्ड फिल्टर लगाकर सोशल मीडिया पर बुढ़ापे की तस्वीर शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म स्टार से लेकर क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स और अन्य कई सेलिब्रिटीज की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फेसएप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI की मदद से फोटो पर फिल्टर लगाता है और इसे रशियन डेवलपर ने तैयार किया है। न्यूरल नेटवर्क की मदद से यह सेल्फी में अलग अलग तरह के फिल्टर लगा सकता है और तस्वीरें एडिट करता है। इस ऐप का ओल्ड फिल्टर जहां वायरल हो गया है, वहीं इसमें स्माइल ऐड करने या कम उम्र का दिखने जैसा फिल्टर भी दिए गए हैं। इसमें दिए गए एक फिल्टर की मदद से जेंडर चेंज करके भी देखा जा सकता है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।